हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्रदास। आज मैं यहाँ पे इस्कॉन विल्ला फार्म में आया हूँ। ये बहुत ही सुंदर जगह है। हर एकादशी को मैं यहाँ पे आता हूँ जप करने के लिए। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना शांत है, शांति में यहाँ पे जप कर सकते हैं आप। इतनी हरियाली है, बहुत ही सुंदर जगह है। शांति से आप यहाँ पे भगवान का नाम ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर सी गौशाला भी है। तो इस्कॉन विल्ला बहुत सुंदर जगह है। पुणे से करीब करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे जंगल के बीच में ऐसा हमारा राधा दामोदर का मंदिर है। तो आज हम देखेंगे और एक आचार्य की लीला देखेंगे। हम आज नारद मुनि के बारे में देखेंगे। नारद मुनि जो है वो बहुत ही शुद्ध भक्त है भगवान के। तो नारद मुनि एक बार हनुमान जी से मिलने जाते हैं। हनुमान जी का छोटा सा घर होता है, कुटिया होती है जंगल के बीचों बीच। तो वहाँ पे नारद मुनि एक बार उनसे मिलने के लिए जाते हैं। दोनों शुद्ध भक्त है, दोनों महाजन है। तो नारद मुनि एक बार हनुमान जी से मिलने जाते हैं। तो जब वो उनके घर के नजदीक आते हैं तो इतना सुंदर उनका मधुर उनका आवाज आती है। नारद मुनि सोचते हैं कि कौन गा रहा है इतना सुंदर से। तो फिर नारद मुनि जब नजदीक जाते हैं तो देखते हैं हनुमान घर के बाहर प्रांगण में बैठे हुए हैं और सुंदर सा भगवान का गीत गा रहे हैं। तो इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं नारद मुनि, देखते हैं कि कैसे हनुमान इतने सुंदर कंठ में बहुत ही मधुर भगवान प्रभु रामचंद्र का गुणगान गा रहे हैं। तो नारद मुनि वहां पे नजदीक जाके सुनने लगते हैं। तो जब हनुमान देखते हैं कि नारद मुनि आ गए तो तुरंत रुक जाते हैं और नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करते हैं। और हनुमान जी बोलते हैं नारद मुनि को कि कृपया करके मेरे कुटिया में आ जाइए। आपके चरण कमल अगर मेरे कुटिया में लगेंगे तो मेरी कुटिया पावन हो जाएंगी, मेरा घर शुद्ध हो जाएगा। तो कृपया करके आप मेरे घर के अंदर आ जाइए। तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं नहीं, मैं आपके घर के अंदर नहीं आऊंगा, मैं बाहर ही रुकूंगा यहाँ पे। और आपका जो कीर्तन है, आप जो राग गा रहे सुंदर मधुर राग, वो मुझे सुनना है। तो आप गाते जाइए, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मुझे जस्ट आपका वो राग सुनना है, मधुर आवाज में आप प्रभु रामचंद्र का गुणगान गा रहे वो सुनना है मुझे। तो हनुमान जी की इच्छा होती है कि नारद मुनि उनके घर के अंदर आए और उनका घर पवित्र करे, लेकिन नारद मुनि मानते नहीं है। तो हनुमान जी फिर से राग गाने लगते हैं मधुर आवाज में। तो नारद मुनि क्या करते हैं, बाजू में ही एक पत्थर होता है वहां पे अपनी वीणा उसके ऊपर रख देते हैं और बैठ जाते हैं हनुमान के सामने, बिल्कुल सामने, सुनने के लिए हनुमान जी का सुंदर राग सुंदर गान। तो इतने सुंदर मधुर आवाज में हनुमान गाते हैं कि जो पत्थर होते हैं वो भी पिघल जाते हैं। सोचिए हनुमान जी जो है अष्ट सिद्धियों के दाता है, उनका इतना मधुर आवाज है कि इतने मधुर आवाज से वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उससे क्या होता है जो नारद मुनि उनका हृदय भी पिघल जाता है और आजू बाजू के जो पत्थर है वो भी पिघल जाते हैं। तो जिस पत्थर के ऊपर नारद मुनि ने जो वीणा रखी थी वो पत्थर पिघलने लगता है और वो वीणा अंदर 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 जाने लगती है और वो वीणा अंदर चले जाती है पत्थर के अंदर, क्योंकि वो पत्थर पिघल रहा है। और जब हनुमान रुक जाते हैं तो वो पत्थर फिर से सॉलिड हो जाता है और नारद मुनि की वीणा अंदर चली जाती है। नारद मुनि देखते हैं कि मेरी वीणा कहाँ गई, अंदर पत्थर के अंदर अटक गई है। तो नारद मुनि हनुमान जी को बोलते हैं, अरे हनुमान जी देखो मेरी वीणा अटक गई पत्थर के अंदर, ये वीणा मुझे साक्षात भगवान विष्णु ने दी है, मुझे बहुत प्रिय है ये वीणा, मुझे फिर से वीणा ये निकाल के दो। तो हनुमान जी बोलते हैं नहीं। तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं, मुझे ये वीणा चाहिए, आप फिर से राग गाओ, ये पत्थर फिर से पिघल जाएगा, फिर मैं मेरी वीणा निकाल लूंगा। हनुमान जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं गाऊंगा फिर से। तो हनुमान जी आगे आगे भागते हैं, नारद मुनि पीछे पीछे भागते हैं। हनुमान जी आगे आगे भागते हैं, नारद मुनि पीछे पीछे भागते हैं। और हनुमान जी अपने घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर इधर उधर भागने लगते हैं और फिर नारद मुनि भी उनके पीछे पीछे पूरे घर में प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं। और फिर बाद में जो नारद मुनि है उनका चरण कमल जो है सब पूरे घर में हनुमान जी के घर में लग जाता है। हनुमान जी की इच्छा पूरी हो जाती है कि नारद मुनि अंदर आके उनके चरण कमल अपने घर में लगाए। तो हनुमान जी की इच्छा पूरी होने के बाद हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, अब मेरी इच्छा पूरी हो गई, आप हमारे घर में आ गए, हमारा घर पवित्र कर दिया, अब मैं फिर से राग गाऊंगा। तो फिर हनुमान जी फिर से राग गाने लगते है तो फिर से पत्थर पिघलने लगता है और फिर तुरंत नारद मुनि जो है अपनी वीणा उस पत्थर से निकाल लेते हैं और फिर नारद मुनि खुश हो जाते हैं
हनुमान जी भी खुश हो जाते हैं, नारद मुनि भी खुश हो जाते हैं। तो इस लीला से हम देखते हैं कि कैसे एक जो व्यक्ति होता है उसको साधु संत जो है उनका आदर करना चाहिए, उनको घर पे बुलाना चाहिए। साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा, अगर साधु संत घर पे आते हैं तो घर पवित्र हो जाता है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि साधु संत और उनको घर पे बुला के हमारा घर जो शुद्ध करना चाहिए, ये हम इस लीला से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।